Hey everyone, welcome back to my channel. This is Megha. Hope you are doing good. And आज मैं आपके साथ share करूँगी festive DIYs जो कि सब के सब waste product से बनेंगे. Yes, and जब ये ready हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये waste product से बने हैं कि नहीं. But इस video को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, so please एक like कर दें and मेरे channel को ज़रूर subscribe कर दें. And हाँ, इन DIYs को recreate करके अपने घर को इस festive season beautifully decorate करें. So to begin with, I will use a used matka and a waste CD जो कि अब हमारे बिल्कुल भी कोई use नहीं आ रही है. So मैंने सोचा चलो इसे DIY करके कुछ नया कुछ बनाएं. So first of all, दो CD लूँगी मैं, जिसमें से एक CD को मैं इस तरीके से यहाँ पे marking करके उसे cut कर लूँगी. सो यस, ये सीडी हमारी कट होकर रेडी हो गई है. उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फेविक्रिल मोल्डेड. मोल्डेड क्ले में दो पार्ट्स होते हैं, एक रेजिन एंड एक हार्डनर, जिसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और उसके डो का कलर वाइट जब तक नहीं हो जाए हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है. और उसके बाद उसे पाउडर लगा के हम यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले हम मोल्डेड क्ले को इस तरीके से रोल करेंगे एंड उसे इस तरीके से शेप देंगे जो हमारी मोर का जो विक जो फ्रंट पोर्शन रहता है वो बन जाएगा. फिर मैं उंगली से प्रेस करके जो मोर की विक होती है उसे भी बना लूँगी इस तरीके से एंड उसे सूखने के लिए सेट असाइड कर देंगे हम. उसके बाद हम मोल्डेड क्ले को फिर से अच्छे से रोल करके बेल लेंगे. और ये मैंने एक क्ले कटर बनाया था यूजिंग जो हमारे कैन्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के, उससे मैंने ये बनाया था. बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, कट किया है उसे और उसे इस तरीके से एक टीयर ड्रॉप शेप में यूजिंग सेलो टेप उसे स्टिक कर लिया है. और ये मेरा ये क्ले कटर एक बन के रेडी हो गया है. ये क्ले कटर से मैं जितने भी फेदर्स के पोर्शन हैं वो बना के रेडी करूँगी. अगर इस क्ले कटर का आपको ट्यूटोरियल अच्छे तरीके से चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी. सो जो हमने ये क्ले कटर से जितने भी फेदर्स बनाए हैं उसे अब हम हमारी सीडी पे स्टिक कर लेंगे यूजिंग फेविकॉल. अगर मेरे इस DIY को आप रिक्रिएट करते हैं और अगर आप कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ़ है DIY. सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन योर क्वेरीज, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. एंड अगर आप इन्हें रिक्रिएट करते हैं तो मेरे संग वो ब्यूटीफुल पीस ज़रूर शेयर करें ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ हमारा फेदर वाला जो स्टिकिंग पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है एंड जो फ्रंट पोर्शन है उसमें हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे. उसके बाद हम वापस अब फेदर वाले पोर्शन में आते हैं. यहाँ पर मैंने एक पेन का कैप यूज़ किया है डिटेलिंग्स प्रोवाइड करने के लिए. उसके बाद मैं यहाँ पर निडल यूज़ करूँगी फेदर्स को और एनहांस करने के लिए. आप चाहे तो आप यहाँ पे मोल्डिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, बट मोल्डिंग टूल सबके पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे ये पेन का कैप, सुई, ये सब जो रैंडम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है मैं उनसे यहाँ पे डिटेलिंग्स प्रोवाइड कर रही हूँ. सो वंस ऑल दैट इज़ डन, उसके बाद फिर से हम हमारे मोल्डेड क्ले को रोल करके अच्छे से बेलेंगे एंड एक कोई भी राउंड सर्कल लेके इस तरीके से मोल्डेड क्ले को सर्कल में कट कर लेंगे. एंड जो दूसरा वाला जो सीडी था मेरा उसके ऊपर मैं ये जो मेरा मोल्डेड क्ले है इसे स्टिक करूँगी, सो दैट हमारा जो मटका था वो हम इसके ऊपर एकदम अच्छे से स्टिक कर लें और वो जल्दी से टूटे या इधर उधर ना हो पाए. मटके के बैक पोर्शन में भी मैं क्ले लगा दूँगी सो दैट वो अच्छे से स्टिक हो जाए हमारे नीचे क्ले पे. उसके बाद मटके के बैक पोर्शन में मैं इस तरीके से मोल्डेड क्ले यूज़ करके उसमें ये जो मैंने फेदर वाला सीडी बनाया था उसे स्टिक करूँगी. और इसे सपोर्ट देने के लिए पीछे मैं मोल्डेड क्ले थोड़ा और यूज़ करूँगी सो दैट वो हमेशा स्ट्रेट रहे और टिल्ट ना हो. सो ये हमारा बैक पोर्शन पूरा का पूरा रेडी है. और अब हम जो हमारा पिकॉक का फ्रंट पोर्शन, फ्रंट बॉडी है, उसे यहाँ पे स्टिक करेंगे थोड़ा सा मोल्डिंग क्ले और यूज़ करके. उसके बाद मैं फिर से मोल्डेड क्ले को वापस अच्छे से रोल करके बेल लूँगी. और ये एक क्ले कटर मैंने उसी तरीके का बड़ा बनाया है यहाँ पे और उससे मैं यहाँ पे दो ठो ये वाले शेप के कट कर लूँगी. ये कट होके हमारे रेडी हो गए हैं. इसके बाद हम यहाँ ये जो फेदर पोर्शन है वो यहाँ पर हम स्टिक करेंगे क्ले को
और ये कहीं ना कहीं हमारे पिकॉक का जो मेन फैदर होता है ये वो हो गया। उसके बाद जो मैंने बैक पोर्शन में ये फैदर स्टिक किए थे उसके जो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे भी आगे फ्रंट में स्टिक किए हैं। ओवरऑल हमें इस मटके को कवर करना है, बट कहीं ना कहीं हमें मटके को रहने भी देना है सो दैट वो एक लुक आए, पता चले कि हाँ हमने ये वाला पीस मटके पे बनाया है। उसके बाद मैंने वो जो फेदर्स है उस पर भी पेन के कैप के हेल्प से यहाँ पे डिटेलिंग्स प्रोवाइड कर ली है। सुनाओ यहाँ हमारा क्ले का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें इसे ड्राई होने देना है, उसके बाद हम इसे पूरा ब्लैक पेंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मुझे तो ये ब्लैक कलर में भी बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ये टील ब्लू कलर यूज़ करेंगे फॉर द फेदर पार्ट। मैंने थोड़ा सा इसे विंटेज लुक दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे गोल्डन कलर भी करके छोड़ सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप वैसा करें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन विंटेज ही लुक क्रिएट किया है। उसके बाद मैं फेदर्स में ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी फ्रंट फेदर्स में। आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग दिस टिंटेड मेटालिक पेंट जो कि मैं यहाँ पे फ्रंट बॉडी में पिकॉक के यूज़ करूँगी। आपको यहाँ पे अगर अल्ट्रामाइन ब्लू कलर यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे पास ये टिंटेड मेटालिक पेंट था तो मैंने वो यूज़ किया है। एंड बैक फेदर में मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई किया है। नाउ वंस ऑल दैट इज़ डन, अब हम बेस को पेंट करेंगे। बेस हम यहाँ पे बेसिकली एक पुरानी जो हमारी ब्रश है उसे यूज़ करेंगे और उसे मैं सीधा से खड़ा करके इस तरीके से करना है। मैंने पहले उसे सुला के जैसे हम नॉर्मली ब्रश पेंट करते हैं वैसे यूज़ किया था, बट उससे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। बट हम सीधा खड़ा करके उसे ऐसे डैब 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 करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल बैकग्राउंड क्रिएट होगा। येलो और ग्रीन से हमें वो करना है और उसके बाद उस पर पिंक फ्लावर्स अप्लाई कर देने हैं। एंड उसके बाद मैं पिकॉक की आइज़ भी बना लूँगी। एंड ये हमारा यहाँ पे कलरिंग पोर्शन कंप्लीट होता है। कलरिंग पोर्शन कंप्लीट होने के बाद मैं ये मेटलिक वैक्स यूज़ करूँगी एंड थोड़ा यहाँ गोल्डन का टच दे दूँगी। यहाँ मेटलिक वैक्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस हल्का हल्का थोड़ा सा ऐसे टिंट आना चाहिए, बस उतना ही यूज़ करना है आपको। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद मेरे पास ये कुछ कुंदन स्टोन्स है, हम उसे अप्लाई करेंगे फेदर्स पे। ये हमारा टी लाइट होल्डर रेडी है। आप इसे ड्राई फ्रूट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ शोपीस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स वगैरह वगैरह के संग प्लीज़ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि कितना ब्यूटीफुली बना है। एंड उन्हें भी बोलें कि रिक्रिएट करें ये पीस को और मेरे संग शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम पे। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट DIY, यहाँ पे मैं ये एक वेस्ट बॉटल यूज़ करूँगी जिसका ये जो रैपर है मैं सबसे पहले उसे रिमूव करूँगी। तो इस DIY के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके की थोड़ी कर्वी बॉटल लेनी है, जैसे नीचे से इसमें कर्व्स है ना, ऐसी कर्वी बॉटल लेनी है आपको। इसके बाद मैं इस बॉटल को कुछ न्यूज़पेपर से फिल कर दूंगी सो दैट ये थोड़ा सा हैवी हो जाए, क्योंकि खाली बॉटल बहुत हल्की होती है और वो गिरने की बहुत हाई चांसेस रहता है, इसलिए हम इसमें न्यूज़पेपर को इंसर्ट कर रहे हैं सो दैट वो थोड़ा भारी हो जाए। एंड न्यूज़पेपर को अच्छे से इंसर्ट करने के लिए आप मेरी तरह इस तरीके से पेन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जब वो एक बार हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे फॉयल पेपर लेंगे और फॉयल पेपर को कुछ इस तरीके से रोल करके बॉटल में इंसर्ट कर देंगे। फॉयल पेपर को अच्छे से आप एटलीस्ट 2-3 लेयर्स में मोटा अच्छा रोल करें। एंड हाँ, फॉयल पेपर को बॉटल पे स्टिक करने के लिए आप ग्लू गन का यूज़ करें जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सो दैट वो हमेशा के लिए अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। दूसरे तरह के कोई भी ग्लू जैसे कि फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल यहाँ पे ये फॉयल पेपर को बॉटल पे स्टिक नहीं करेगा, सो प्लीज़ डू यूज़ ग्लू गन ओनली। उसके बाद मैं मास्किंग टेप लूँगी और यहाँ पे पूरे बॉटल को अच्छे से मास्किंग टेप से कवर कर लूँगी। अगर आपको मास्किंग टेप यूज़ नहीं करना तो आप यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्ले लूँगी और क्ले को अच्छे से वापस रोल करके बेल लूँगी
एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो उसका जो मैंने फॉयल पेपर वाला जो एरिया बनाया था उसके ऊपर मैं अपने क्ले को अच्छे से प्लेस कर दूँगी। एंड अब हम यहाँ पे जब क्ले हमारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम जेसो अप्लाई करेंगे। वंस आवर जेसो का दो कोट एकदम अच्छे से ड्राई हो जाता है उसके बाद मैं रेड कलर अप्लाई करूँगी यहाँ पे, क्रिम्सन कलर। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे एक पेगाडॉल बना रही हूँ जिसे मैं एज अ टी लाइट होल्डर यूज़ करने वाली हूँ। एंड आप भी इस फेस्टिव सीजन में इन पेगाडॉल टी लाइट होल्डर को बना के अपने घर को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट में ये बहुत ही ब्यूटीफुल बने हैं। सो नाउ अब मैं अपने डॉल का फेस कलर कर लूँगी, दैट इज़ फ्लैश टिंट कलर। उसके बाद जितने भी डिटेलिंग्स है उसे मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, साड़ी में जितनी भी डिटेलिंग्स है, ब्लाउज वगैरह सब कंप्लीट कर लूँगी। एंड अब मैं उनके जो हेयर्स है उसे ब्लैक कलर से कलर करूँगी और एक प्यारी सी चोटी बना के रेडी कर दूँगी। अब साड़ी में जितनी भी डिटेलिंग्स है वो मैं यहाँ पे जो डॉटिंग टूल है उससे कंप्लीट करूँगी। एंड ये हमारी जो पेगा डॉल है वो बन के रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने ये एक बेस बनाया है यूजिंग कार्डबोर्ड, उसे मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूँगी। सो यस, ये हमारी पेगा डॉल टी लाइट होल्डर बन के रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरीके से टी लाइट होल्डर प्लेस करेंगे एंड ये हमारी इंडियन ब्यूटी रेडी है। सो आज के ये दोनों टी लाइट होल्डर्स जो मैंने वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करके बनाए हैं, आपको कैसे लगे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आइडियाज़ कैसे लगे आपको वो भी बताएं। एंड आपको अगर कुछ नया देखना है तो वो भी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।